जांजगीर के नैला स्टेशन के पास अलौकिक दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। समिति के अनुसार 120 फीट लंबी राजस्थानी घाघरा से सजाकर मां दुर्गा की स्थापना की जा रही है। इस कोशिश को लिम्का बुक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। मां दुर्गा को सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण भी पहनाए जाएंगे। यहां विभिन्न झांकी बनाए जाने की भी तैयारी चल रही है। बांस कलाकार दुर्गा पंडाल के गेट को खास बनाने के लिए दिनरात जुटे हुए हैं, जहां नागदेव विराजमान होंगे। ये गेट 100 फीट चौड़ा और 80 फीट की ऊंचाई का बनाया गया है, जिसमें 300 से ज्यादा बांस का उपयोग किया गया है। बांसों को छीलकर बारीक कलाकारी की गई है। पंडाल की सजावट और लाइटिंग कलकत्ता के कलाकारों ने की है। पंडाल को सजाने में कलाकार जी जान से जुटे हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी समिति के सदस्यों द्वारा विगत काफ़ी वर्षों से अलग अलग रूपों में माता की प्रतिमा बनाई जाती है। पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में अभी तक नहीं बैठाया गया है, और हम इसको लिम्का बुक में या गिनीज बुक ऑफ में रिकॉर्ड के लिए भी दर्ज कराने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह का बांस की कलाकारी उनके द्वारा की गई है। करीबन 100 बांसोड़ जाति के लोग यहाँ पर आए हुए हैं 2 महीने से, और जो भव्यता आपको गेट में दिख रही है उन्हीं की देन है। ये क्या शिवलिंग बनाई गई है जिसमें सांप पंच सांप के फैलाए